वैदेही तैयार हो? जाओ, जाके उस घेरे के मध्य में लेट जाओ। वैदेही याद रखना, तुम्हारे पास केवल 4 घंटे हैं। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने से पहले तुम्हें वापस आना है, नहीं तो। आप फिक्र मत कीजिए गुरुजी, मैं अपने पति को लेकर समय से पहले ही आ जाऊंगी। दादी, आप हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करती हो ना कि मेरे काम में विघ्न ना आए। आज मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। जाओ वैदेही, तुम्हें शैतानों से नहीं अपनी किस्मत से लड़ना है। जाओ और अपने पति को बचाकर वापस लेकर आओ। वैदेही चली गई। ये मैं कहां आ गई हूं? ये कैसी जगह है? यहां तो कोई नहीं है, कहां जाऊं, कहां ढूंढूं? मैं वो 3 शैतानों को कहां ढूंढूं? कालासुर, वो चुड़ैल और वो चुड़ैल का साथी। लेकिन ढूंढना जरूरी है।
आवाजें, लगता है ये आत्माओं की आवाजें हैं। इन्हें लगता है कि मैं मर चुकी हूँ, मैं भी एक आत्मा हूँ। ये कैसी आवाजें हैं जो सिर्फ सुनाई देती है, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे कोई देख रहा हो? इंसानों की तरह आत्माएं भी बुरी और अच्छी होती हैं, लेकिन अब बताने का समय नहीं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि बुरी और अच्छी आत्माओं को कैसे पहचाना चाहिए? पर मुझे विश्वास है कि तुम उन आत्माओं को पहचान लो। एक बात याद रखना वैदेही, आत्मा अच्छी हो या बुरी हो, वो स्वयं तुम्हारी मदद के लिए कभी नहीं आएंगी और ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाएंगी। किंतु जिस आत्मा से तुम बात करना चाहोगी वही तुमसे बात करेगी। सोच समझ कर बात करना कि तुम्हें किस आत्मा से बात करनी है। सुनो, तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैंने मदद मांग तो ली, पर ये कैसे पता लगाऊं कि ये अच्छी आत्मा है या बुरी? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है, मेरे पास भी नहीं आ रही है। सुनो, अब तुम मेरी प्लीज मदद करो ना। कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही है? वो मैं कुछ जानना चाहती हूँ, मुझे किसी को ढूंढना है। लगता है ताजा ताजा मरी है। देखो वो मैं, लगता है परिवार ने बड़ी नाजों से पाली है, बहुत प्यार से, तभी तो चेहरे में इतनी धमक है। वो मुझे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बताना कैसे मरी। इससे बात करना बेकार है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। किधर जा रही है? मैं इतना सवाल कर रही हूँ और तू जवाब क्यों नहीं देती? कब मरी थी? मुझे जाने दो प्लीज। बड़ी खुशबू आ रही है तेरी बदन से, बरसों बाद ऐसी ताजी ताजी खुशबू सूंघने को मिली है। अब तो यही रहेगी, कहीं जाने नहीं दूंगी तुझे। ये वैदेह की गर्दन पर किसी की उंगलियों के काले निशान है। गुरुजी, वैदेह के पैर भी हिल रहे। क्या हो रहा है गुरुजी? लड़ाई, शायद उसे कोई आत्मा मिल गई जिसके साथ वैदेह की लड़ाई हो रही। तो गुरुजी कुछ कीजिए ना, कुछ करें, हम कुछ करें। नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। वैदेह को ये लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। ये लड़ाई किसी इंसान या शैतान की नहीं है, बल्कि स्वयं उसकी किस्मत से है। मुझे मेरे पति को ढूंढना है, उसे बचाना है प्लीज। पति? आत्मा का कोई पति नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं। भूल जाओ इस दुनिया को, अब तू इस दुनिया में आई है, अब तो तू मुझे ही अपना गुरु मान ले। मैं जो कहती हूँ वो कर, मैं तुझे मौत की दुनिया की यात्रा करवाऊंगी। जो भी आएगा उसके साथ डर डर खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जाने दो प्लीज। कहाँ जाएगी? मुझे कालासुर को ढूंढना है, मुझे उसका अंत करना है। कालासुर? तू कालासुर को कैसे जानती है? उसे कैसे ना जानूं? उसने मेरी जान ले ली थी, मेरे परिवार को मुझसे अलग कर दिया था, मेरे पति को मुझसे अलग कर दिया था। कालासुर ने तो हमें भी बर्बाद कर दिया है। जा, खत्म कर उसे
और उसकी आत्मा को इस दुनिया में भेज। एक बार उसकी आत्मा इस दुनिया में आ जाए, देख मैं उसे क्या सजा देती हूँ। सजा देने के लिए मुझे पता तो होना चाहिए ना कि वो कहाँ है। मैं नहीं जानती हूँ कि वो कहाँ है। उसका पता तो मुझे भी नहीं पता, पर हाँ उस तक पहुँचने का रास्ता मुझे पता है। उसका वो शैतान साथी, जा उस जंगल में दक्षिण की दिशा में, वो बरगद के पेड़ के नीचे जा, तुम्हें वो शैतान वही मिलेगा। और सुन, इसी रास्ते पे चलती जाना, कच्चे रास्ते पे मत जाना, जा। तुमने मेरी मदद की, थैंक यू। ये निशानी मेरे पास रहेगी। गुरुजी, ये वैद्य के शरीर की मूवमेंट्स बंद हो गई। मेरी बेटी ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं, वैद्य ही ने अपनी पहली लड़ाई जीत ली है। तूने हम सबको धोखा दिया, अब तू भी धोखा खाएगा। अब तू ही मुझे कालासुर और उस चुड़ैल के पास लेकर जाएगा। इस घनघोर जंगल में ये आवाज कहां से आई? छल की दुनिया में छल की कहानी। अब मेरी यही खुशबू इस शैतान को मेरी तरफ लेकर आएगी। ए लड़की, इधर आ। वो खुद मेरे पास आ रहा है, अब मैं वो बबूत। रुक! अरे वो बबूत जो पंडित जी ने मुझे दी थी वो कहाँ है? वो मेरे हाथ में तो थी। गुरुजी, ये वैद्य के हाथ में भभूत थी अभी तक, अभी वो भभूत नहीं है। मैंने ही उसे दी थी उसकी मदद के लिए, यदि कोई बुरी आत्मा उससे लड़े तो वो उसका सामना ठीक तरह से कर सके। ये भभूत उसके हाथ में थी और अब नहीं है। इसका मतलब है कि वैद्य ही ने उस भभूत का प्रयोग कर लिया है। कहाँ जा रही है? अभी तो तू मेरे पास आ रही थी ना, फिर मुड़ के उधर कहाँ जा रही है? हाँ, क्या खुशबू है, लगता है अभी अभी
हो? हाँ मैं। तो तू मुझे ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गई। रुक, अभी बताता हूं मैं तुझे। क्या हुआ? दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है? करना पड़ेगा। ये वही दर्द है जो तूने मासूम लोगों को दिया है, बेकसूर लोगों को दिया है। यही तेरी सजा है। आज तेरा अंत मैं करूंगी। आज तो तेरी शक्ति भी काम नहीं आ रही है। बता, वो चुड़ैल मेरे राघव को कहाँ लेकर गई है? बता, कहाँ छुपाया है? नहीं, नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा तो यहीं तड़पता रह जाएगा, मर जाएगा यहाँ। तुझे बताना पड़ेगा वरना मैं तुझे मार दूंगी। यही तो मैं चाहती थी कि तू दर्द के मारे तड़प के उस काला सुर के पास जाए, ताकि मैं तेरा पीछा कर सकूं और जान सकूं कि उस चुड़ैल ने मेरे राघव को कहां छिपाया है। मैं जानती थी तुम यहां तक जरूर आओगे। तुम्हारा पीछा करते करते मैं राघव तक जरूर पहुंचूंगी। संजना, मैं तुझे शक्ति देता हूं, बना ले उस राघव को अपना। विराज, मूर्ख, तूने हमारा तप भंग कर दिया। किसने दिया तुझे ये जख्म? किसने दिया? कौन है वो? अब तू लाख कोशिश कर ले, तेरा मुंह नहीं खुलेगा। मैंने तेरे मुंह में अभिमंत्रित भभूत डाल दी है। अब तू बोल नहीं पाएगा, ना तू बोल पाएगा, ना ही मेरा राज खुलेगा कि मैं आत्माओं की दुनिया में आ चुकी हूं। तेरा भी वही हाल होगा जो तूने दूसरों का किया है। ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है पर इसका मुंह नहीं खुल रहा है। विराज, तुम्हारी ये हालत किसने की है? बताओ, कौन है वो? कौन है वो? बताओ विराज, जल्दी बताओ, कौन है वो? बताओ विराज। आए संजना नाय, किसी ने मंत्रों से इसकी आवाज बंद कर दी है। मुझे इसके दिमाग में घुसना होगा, पता लगाना होगा कि कौन है वो। कि तू मर चुका है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।